हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जमशेद खान। स्मार्ट टेक लिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वीवो के एक नए लेटेस्ट फोन की जो लॉन्चिंग हो चुकी है, वीवो Y100 के बारे में। आइए हम देखते हैं वीवो के Y100 के बारे में, क्योंकि नया फ्लैगशिप मॉडल है इनका वाई सीरीज का। काफी अच्छी वाई सीरीज में इन्होंने फोन निकाला है। Y100 की आज हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे और देखेंगे इसके डिजाइन और कॉन्फिगरेशन के बारे में, क्या है इसमें क्या नहीं है, और सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो से जुड़े रहिए और एंड तक देखिए वीडियो को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं Y100 के अनबॉक्सिंग को और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें सबसे पहले फोन हमें दिखता है, और फोन का लुक काफी अच्छा, काफी बेहतरीन कलर दिया हुआ है इसमें, कलर काफी बेहतरीन है, ट्विलाइट गोल्ड कलर है जिसकी शाइनिंग काफी बेहतरीन है, मेड फिनिशिंग दिया हुआ है, काफी बेहतर है लुक में। चलिए हम फोन को साइड कर लेते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, इसमें केस कवर दिया हुआ है, काफी सॉफ्ट है, जो सारे फोन में मिलता है दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छा लुक में दिखता है। इसको लगाने के बाद पूरा कैमरे का लुक आता है। प्लस इसमें देखते हैं हमें यूजर गाइड मिली हुई है, जो कि सारे फोनों में रहती है। इसमें चार्जर दिया हुआ है, वीवो फ्लैश चार्जर 44 वाट का चार्जर इसमें मिलता है। और अगर देखते हैं हम इसमें तो एक केबल सी टाइप फास्ट केबल भी दिया हुआ है, और इसके अलावा जो है हमें मिल जाता है एक पिन, इजेक्टर पिन। अब ये सब काम कर देते हैं साइड और फोन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं, डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सबसे पहले हम इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं। इसमें देखते हैं हम डिजाइन, इसका कलर चेंजिंग ग्लास दिया हुआ है पीछे बैक पैनल में, और इसका जो है फ्लैट डिजाइन दिया हुआ है। और इसके रिंग की बात करें तो रिंग भी काफी बेहतर दिया हुआ है। नीचे अगर देखते हैं तो नीचे सी टाइप पोर्ट मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जर है, ऑक्स भी दिया हुआ है। प्लस इधर सिम कार्ड लगता है, जो कि सिम कार्ड डबल सिम कार्ड काफी स्मूथ है, जो कि लगाते वाओ क्या फिनिशिंग इसमें दिया हुआ है, काफी बेहतरीन फिनिशिंग है, लुक तो काफी बेहतरीन लग रहा है, मेरे को मजा आ गया फोन देख के। और अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो कैमरा भी काफी बेहतरीन कैमरा दिया है, OIS टेक्नोलॉजी के साथ में 64 मेगापिक्सल मेन रेयर कैमरा दिया हुआ है, 2+2 का कैमरा दिया हुआ। फ्रंट से देखते हैं इस फोन को तो फ्रंट में जो है 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ में सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलता है हमको। चलिए हम फोन को चालू कर लेते हैं और देखते हैं इसके डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी हमें मिलती है। और चालू हो रहा है जब तक फोन, हम इसके बैटरी की बात कर लेते हैं। इसमें 4500 mAh का बैटरी दिया हुआ है, जो कि 44 वाट फ्लैश चार्ज के साथ में है, तो चार्जिंग आप जल्दी कर सकते हैं इसको। अगर हम इसके डिस्प्ले साइज की बात करें तो डिस्प्ले साइज का 6.38 इंच का दिया हुआ है, बेजल इसमें काफी कम दिया हुआ है, अच्छा है लुक। और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है हमें। बात करें हम अगर इसके कैमरा क्वालिटी की, तो कैमरा आपको बता चुका हूं, चले देख लेते हैं इसके कैमरा कैसा हमको मिलता है। ये देखिए कैमरा क्लियरिटी काफी बेहतरीन है, जूमिंग भी काफी अच्छा है, फ्रंट कैमरा भी काफी बेहतरीन मिल जाता है हमें, 16 मेगापिक्सल का दिया है लेकिन कैमरा काफी बेहतर है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी काफी बेहतरीन है, 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। और अगर हम इसके कॉन्फिगरेशन की बात करें तो इसमें जो है आपको मिलता है 8GB RAM प्लस 8GB एक्सटेंडेड रैम, यानी कि 16GB RAM आपको मिल जाएगा प्लस 128GB इंटरनल मेमोरी दिया हुआ है। और इसका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 90Hz रिफ्रेश रेट है, जो कि काफी बेहतरीन है। इसमें हमें 3 कलर वेरिएंट मिलता है देखने को, 2 हमारे हाथ में है और 1 कलर ब्लैक आता है, जो अभी हमारे पास अवेलेबल में नहीं है, तो आप ये 2 कलर देख सकते हैं जो आपको पसंद आए। और हाँ, हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र। और हाँ, एक चीज कहना आपसे भूल गया, वीडियो अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।